हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? सो आज है डे 3 और आज होने वाला है पेरिस का ट्रिप, क्योंकि हम कर रहे हैं नियर बाय जितने भी एरिया है। फर्स्ट डे हमने आईफिल टावर कवर किया था, सेकंड डे हम डिज्नीलैंड गए थे और आज थर्ड डे हमारा सिटी कवर करने का है। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि आपको पेरिस में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन से अट्रैक्शन है जो आपको देखने चाहिए। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, तो जो एज यूजुअल फ्रांस में ब्रेकफास्ट होता है वही कर रहे हैं। हमारी तो कॉफ़ी आ गई, यहाँ फोटो लेती हुई है। खाने का फोटो इज मस्ट गाइस। तो हम यहाँ जा रहे हैं। तो हम एफिल टावर हमने फर्स्ट डे कवर कर लिया था और आगे टाइम भी, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह। सेकंड डे कर लिया ना, बस बेसिकली पेरिस में जो देखने वाला है एफिल टावर तो सबको पता ही है, और आर्क डे ट्राइम जो इंडिया गेट जैसा है वो भी हमने देख लिया उसी दिन, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ता है, बिल्कुल जैसे इंडिया गेट है ना वैसे ही है। और फिर अब हम जा रहे जो हमें नियर बाई दिखता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नेम किसी का भी नहीं पता है। तो आप ऐसा है पेरिस में कि जो सेंटर जगह है ना वहीं पे सब आसपास ही है, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, आप वॉक करते करते सब कुछ देख सकते हो। तो हम वही कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है लूव म्यूज़ियम, तो जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो हम टैक्सी करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट पहले हम सिटी अट्रैक्शन देख लेंगे, मतलब नियर बाई एरिया देख लेंगे, फिर हम टैक्सी करने वाली बात करेंगे जो थोड़े दूर की जगह होंगे। ये यहाँ घर हो और यहाँ एफिल टावर दिख रहा हो, तो मैं आपको क्लियर व्यू दिखाती हूँ। देखो गाइस ऐसा है, अभी ओलंपिक के चक्कर में बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये है बिल्कुल, आपको दिखा दो तो विदाउट एनी एडिट्स, ये देखो इतना ही बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है जितना आपको लग सकता हो। तो यहाँ ऐसा मार्केट है पास में, अभी सब कुछ बंद है, बस अदरवाइज अंदर रोड था बीच में। टूरिस्ट मुझे लंदन में कहीं पे भी नहीं दिखे जितना यहाँ पेरिस में। शायद एफिल टावर को देखने लोग आते, जैसे छोटे छोटे आपको खरीदना हो तो। यहाँ आप जा सकते हो ऊपर जाकर देखने के लिए। के लिए ये लाइन है वहाँ, कितनी लंबी लाइन। पर आज इतनी अच्छी धूप लगी है, मतलब हम कल डिज्नीलैंड सिर्फ बारिश हुई और आज इतनी अच्छी धूप लगी है, बट पार्क सारे बंद है बैठने के लिए। काफी तुम लोगों को पेरिस बताओ, अपने अपने रिव्यू दो, अपने रिव्यू दे। क्या अच्छा लगा? एवरीथिंग इज सो नाइस, वेदर अच्छा है, यहाँ का फूड अच्छा है, क्योंकि चाइनीज खाने को मिला इसीलिए। वो बोल सकते हैं। ग्लास आर्क ये है, बस कैमरा में तो छोटा है, वैसे है थोड़ा सा बड़ा ही लग छोटा रहा है, और इसके आसपास का सारा एरिया ऐसा है। विजिटर विद रिजर्वेशन, मैंने टाइम 3 बजे का है हमारा, हम ऑलरेडी लेट है। सो ये सारी लाइन है, रिजर्वेशन टाइमिंग का होता है कि हमने 3:30 बजे का लिया था, तो हम 3:30 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। और
इतनी लंबी लाइन की वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि हम अंदर जा पाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है, अब कहीं से भी जाओ बहुत लंबी लाइन। और जो लोग बिना टिकट के आते हैं वो तो मतलब पूरे दिन तक भी अंदर नहीं जा सकते, तो बिना टिकट के तो बिल्कुल भी मत आना यहाँ पे, हमेशा प्री बुक करके ही आओ। अब कहीं से भी आ रहे हो हर चीज़ की प्री बुकिंग करके आना। तो हम यहाँ तो मॉल के अंदर ही आ गए, यहाँ आपको साइड में म्यूजियम के अंदर ही यहाँ मॉल भी है, जाके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि आपको लगेगा नहीं कि मैं म्यूजियम देख लिया आप क्या करें, तो आप साथ में ही मतलब साथ में मतलब वही चिपका ही हुआ भाई, दूर नहीं जाना इधर नहीं जाना। टॉयलेट एग्जिट है वो, तो अब रेस्टोरेंट जाना है बाहर कहीं, आपको वापस मार्केट जाके खाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आके खा सकते हो। क्योंकि आप अगर म्यूजियम के लिए आप अपना पूरा एक दिन का ट्रिप रख सकते हो, क्योंकि सिर्फ म्यूजियम जाने के लिए टाइम लगेगा, बाहर निकल के आप यहीं रेस्टोरेंट में खा सकते हो और यहीं पे शॉप कर सकते हो, वापस आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है वो है वॉशरूम जाना यार, अब हम ढूंढते हुए चल रहे हैं। एक चीज़ बहुत कॉमन है पेरिस में गाइस, पैसा पे करके वॉशरूम। यहाँ खाना खाने आए हैं, कहीं पे भी आपको पेरिस में कहीं पे भी इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं मिले, मतलब बहुत रेयर होगा कि आपको रेस्टोरेंट में मिले क्या, मतलब सो हमने बहुत कुछ मंगाया है, छोटा 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 सब चीज़, क्योंकि हर चीज़ बीफ 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 में एक आई तो बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, कुछ भी चीज़ आप या तो वेज में या किसी कुछ और टाइप में मंगा सको। आज का ट्रिप ख़त्म होता है यहीं पे, आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, चलो बाय बाय पेरिस।